धन्यवाद परमपिता परमेश्वर को, माता पिता को, उनके बाद थैंक यू और उनके बाद मेरे जीवन में विशेष स्थान जो बन चुका है वो है मनोज मलिक जी और सारिका मलिक जी. थैंक यू. क्योंकि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा योगदान है तो आपका है. और थैंक यू जगत जी, आप नहीं होते तो शायद मलिक जी से मुलाकात नहीं हो पाती. और थैंक यू उस शख्स को भी जो जगत जी से मिलवाए थे. सिस्टम में नहीं है लेकिन जगत जी से, वो मेरी जीवन में नहीं होते तो जगत जी नहीं मिलते, जगत जी नहीं मिलते तो जगत जी के गुरु जी नहीं मिलते. जैसे कि जगत जी हमेशा बोलते जगत गुरु, तो हम सबके भी गुरु. तो एक बार मैं चाहूँगा इन सब के लिए ज़बरदस्त तालियों से मैं चाहूँगा शुरुआत करना. नाम मोतीलाल शर्मा और पढ़ाई आप देख पा रहे हैं. एक दसवीं पास व्यक्ति यहाँ आ सकता है और मैं सफल हो सकता हूँ तो आप भी सफल हो सकते हैं. और आज हम जानेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे सिस्टम की बातें, अलग अलग हम ट्रेनिंग्स लेंगे. लेकिन उनमें से मैंने क्या किया उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या मैं यहाँ तक पहुँचा उससे पहले मैंने क्या क्या काम किए. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसान को उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती. अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती. कमज़ोर आप नहीं आपका वक्त है, कमज़ोर आप नहीं आपका वक्त है. और वक्त सबका बदलता है, बस कर्म करने की आवश्यकता होती है. क्या कर्म करने के लिए तैयार हो? क्या कर्म करने के लिए तैयार हो तो सफलता आपको भी मिलेगी. ऐसे ही शुरुआत हुई मेरे करियर की. और सबसे पहला मैंने ये एजेंसी लेकर के पार्टनरशिप में और यहाँ से काम की शुरुआत करी. क्योंकि बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो 2006 तक झोंपड़ियों में रहता था, पक्का मकान नहीं था. तो बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बिजनेस करने के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं. तो मैंने अपना खुद का काम करना चाहा, पार्टनरशिप में काम किया था और यहाँ से शुरुआत करी. और पहली शुरुआत हुई घाटे से, 6 लाख रुपए का नुकसान लगा और इस काम को बंद किया. अगला जो काम था इंश्योरेंस का, बिना पैसे लगाए काम करना होता है तो इंश्योरेंस को चुन लिया. LIC का काम किया, वहाँ लगा कि यार यहाँ मैं सिर्फ पॉलिसी बेचूँगा तो पैसा आएगा और मैं कितने एक लोगों को पॉलिसी बेच पाऊँगा. और सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा जो सर्कल था वो इतना बड़ा नहीं था कि बड़ी पॉलिसी बड़ा प्रीमियम मुझे मिल पाए, तो उसको छोड़ा. और फिर अगला किया टाटा AIG का, वहाँ टीम वर्क था और यहीं से मुझे टीम वर्क का जो पावर है, टीम वर्क की जो एक ताकत है उसका पता लगा. वहाँ भी नहीं समझ आया और उसको भी छोड़ा. और तीसरी कंपनी चुनी बजाज एयरलाइंस, यहाँ भी सफल नहीं हुआ, इसको भी साइड किया. और फिर एक 2002 में, 2001 की बात है, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ई गवर्नेंस का काम निकाला था और यहाँ शुरुआत करी और ये भी सेट नहीं हो पाया. और फिर दूसरा घाटा यहाँ से ले करके और तीसरा काम फिर किया नेटवर्किंग का. और अक्सर लोग आज भी ये गलती करते हैं, एक कंपनी नहीं समझ में आई, दूसरी को ले लिया, तीसरी को ले लिया, चौथी को ले लिया, 4-5 कंपनी जेब में रख करके एक को प्लान दिखाया. अच्छा तेरे ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरा समझ, तीसरा समझ, चौथा समझ, पाँचवा समझ. और सामने वाला बोलता यार तू तो समझ ले पहले. बहुत सारे लोगों के पास, लोगों के साथ होता है. और जब हम नहीं समझते ना तो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा, सोचा यार ये काम ही बेकार है. लेकिन यहाँ एक पावर समझ में आ गई थी, कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या होती है. और फिर फाइनली रोजी रोटी तो चलानी थी ना. और मेरे लाइफ में M का भी मैं बताऊँगा कि M नाम से, M जो अक्षर है उससे मेरे को कितना प्यार हो गया. और यहाँ पे मैंने किराना स्टोर डाली पहली. और ये किराना स्टोर मनोज मलिक जी के नाम पे नहीं है, ये दुकान जो डाली ये भतीजे के नाम से, मनोज किराना स्टोर. और यहाँ लगा यार ये तो वही सुबह आओ शाम को जाओ, रोजी अच्छा. रोटी का काम तो हो जाएगा लेकिन बड़ा काम नहीं होगा. तो मैंने देखा कि ज़्यादा मार्जिन किसमें, तो ज़्यादा मार्जिन वाला काम भी पकड़ लिया. और अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियाँ मैंने ले ली थी कौन सी फेलियर की,
और मैं समझा कि अब जैसे ही मैं इस काम को छोड़ूंगा एक डिग्री और मुझे मिल जाने वाली है। तो परेशान हो रहा था, सोच रहा था क्या करूं। तो बड़े काम के लिए बड़ा पैसा लगाना होता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस की सोच थी कि बड़ा पैसा लगा के बड़ा बिजनेस करूं। तो क्या करें यार, चलो ये अनुभव तो हो ही गया, होलसेल का काम करते हैं। होलसेल में पैसा ज़्यादा लगना था, वो भी सेट नहीं हुआ, और यहाँ इस काम को छोड़ करके, और फिर फाइनली कुछ भी काम नहीं था तो पैतृक काम खेती का, चलो यार रोजी रोटी के लिए ये तो कर ही लेते हैं, तो ये करने लग गया। और यहाँ से फिर शुरुआत होती है, रिश्तेदार समझाते हैं, अपने समझाते हैं, परिवार के लोग समझाते हैं, अच्छा खासा काम कर रहा था, बेवकूफ हो गया, यहाँ करके खेती करने लग गया। मैंने कहा जी आप पैसा दे दो बड़ा काम करने के लिए। जैसे ही पैसे मांगते हैं तो अपने क्या करते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो मुझे समझ आ गया था, साथ कोई नहीं देगा, साथ अगर अपने आप को देना है तो खुद को ही देना है, और कोई दूसरा नहीं देगा। और फिर हाँ बजा सकते हैं बिल्कुल, मन करे आपका तो। और फिर वो जो पुराना शेर था ना, दिमाग का कीड़ा, नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, जो आठवां अजूबा जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं उसको खाद पानी मिल रहा था। और दिमाग में आया कि क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग ही चुना जाए। और थैंक्स गॉड मेरे लाइफ में उस समय तक मनोज मलिक जी एंटर कर चुके थे, और ये बार बार कहते जा रहे थे, मोतीलाल भाई जयपुर आ रहा हूँ। अच्छी बात ये थी, धन्यवाद ऊपर वाले को, परमपिता परमेश्वर को, कि इतनी सद्बुद्धि तो दी कि जब भी ये कॉल करते थे मैं मिलने के लिए इनसे आ जाता था, दिन भर साथ रहता, कई बार घंटे दो घंटे रहता। तो एक साल दो साल तीन साल बाद धीरे धीरे करते करते वो नेटवर्किंग का कीड़ा, सितंबर की बात है 2015 में, फाइनली वो जो है एक छोटे से पौधे के रूप में ले चुका था। और डिसीजन हुआ कि अब यही एक काम लास्ट में बचा है अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग की। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कितनी सारी कीलें हैं, अपने जितने होते हैं ना वो सारे अलग अलग, जिसको जितनी जैसी कील मिली ना, ठोकता गया, पागल हो गया, बेवकूफ हो गया है, बच्चों को ताने देने लग गए। और ये जितनी कील ठोकते ना उतना ही जोश अंदर से आता कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना है, और ये जितनी कील ठोकते ना उतना ही और जो है ना इरादा मजबूत होता। तो जो डावाडोल वाला इरादा था ना वो मजबूत होता गया, और डिसीजन हुआ, जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी ना वो बदल गई डिसीजन में। यहाँ विजन दिखाया मलिक जी ने, एक बार मलिक जी के फिर तालियां चाहूंगा, मनोज मलिक जी ने यहाँ पे जो एक विजन दिखाया कि देख ऐसा है, जो होना था हो गया, अब बताइए बच्चे कितने हैं, आगे क्या चाहते हो। वापस से जो है वो जो पुरानी बातें थी उसको साइड किया, और यहाँ विजन दिखा करके और यहाँ से मेरी एक शुरुआत करवा दी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन करवा दिया। क्योंकि व्यक्ति डिसीजन करता है लेकिन डिसीजन छोड़ देता है, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन तब होता है ना तब वो व्यक्ति परमानेंट करता है। तो यहाँ पे परमानेंट डिसीजन हुआ, और उसके बाद में मेरी स्टार्टिंग हुई मोदी केयर में एक छोटी सी बाइक से। और ऐसे मैंने डेमो किट, मेरा जो हथियार था उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही था और वो था डेमो किट। अपलाइन हमेशा साथ रह नहीं सकती, जगत जी जॉब में थे तो क्या किया जाए, कनेक्ट मैगजीन रखता था हमेशा। ये सिस्टम के द्वारा मुझे समझ में आया कि भैया अपलाइन को साथ रखना है, कनेक्ट मैगजीन साथ रखो, 24 घंटे आपके अपलाइन साथ में है। जगत जी और मनोज जी आज गवाह हैं, एक सिंगल डेमो मैंने नहीं करवाया, एक सिंगल प्लान मैंने नहीं करवाया। फॉलोअप के लिए, मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता था, और यही मेरी एक स्ट्रेंथ थी। व्यक्ति क्या करता है, आता है और बेसाखी का सारा ले लेता है, यानी अपलाइन आए तो मैं काम करूं, नहीं तो नहीं करूं। सक्सेस में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज एक ही पॉइंट पे बात करूंगा। सक्सेस के लिए बहुत से फार्मूले चाहिए होते हैं, लेकिन ये चार टॉपिक जरूरी है। संगत से नजरिया बनता है, नजरिए से आदत बनती है। और कहते हैं, एक नीचे गया वैसे टॉपिक, और कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत आदत और गुरु यदि आपकी सही है
संगत, आदत और गुरु आपके सही हैं तो कामयाब होने से पूरी दुनिया आपके साथ लग जाती है, कोई रोक नहीं सकता। और जो कुछ मैं आज हूँ वो सिर्फ और सिर्फ संगत की वजह से हूँ, एसोसिएशन की वजह से हूँ। कौन से लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन होती है, और एसोसिएशन की मैं बात करूँ, क्या देख पा रहे हैं आप? पानी, समुद्र का पानी पीने के काम आता है? किसी भी काम आता है क्या? फ्री मिलता है? नदी का पानी पीने के काम भी आ सकता है, नहाने के काम भी आ सकता है, और भी बहुत सारे काम आ सकता है। क्या उसके पैसे लगते हैं? फ्री मिलता है। अब वही पानी बोतल में पैक होकर के मिल रहा है, कितने रुपए का मिलता है? 20 रुपए का। और अगर वही रेलवे स्टेशन पे मिल रहा है तो 15 रुपए का। और अगर वही एयरपोर्ट में मिले तो? और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां रेगिस्तानी, जैसे हम दुबई गए थे, कितने रुपए में मिलता है गमजी वहां पे पानी एक लीटर? 120। क्या किया पानी ने? पानी वही, क्या किया? अपनी जगह बदली, अपनी संगत बदली। और आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको? ड्रॉप के भी, और देखो ड्रॉप के अलावा भी उसमें एक अभी अनलिमिटेड चल रहा था ना, वहां पे गिलास दिख रहा है, अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो वैल्यू और कितनी बढ़ेगी, क्या कॉस्ट हो जाएगी? अगर दूध के साथ मिलता है पानी तो क्या होता है? और वैल्यू बढ़ाता नहीं बढ़ाता? ये क्या फर्क है? सिर्फ संगत। आप देख पा रहे हैं, दो टीम ऐसी जो इतिहास गवाह है, किस वजह से युद्ध जीत पाए, किस वजह से हार पाए। मैंने कहा था ना कि दो चीज जरूरी है, तीन चीज जरूरी है, लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं दो, संगत और दूसरा क्या है? गुरु। एक अच्छी संगत होना और अच्छा गुरु होना, यहां देख पा रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि एक संगत और एक गुरु की वजह से क्या हुआ। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ संगत बदली। और संगत हमेशा, पता क्या है गुरु का काम क्या होता है? गुरु उस लाइट की तरह है, रास्ता दिखाती है लाइट। गुरु हमारे को रास्ता दिखाते हैं, साथ नहीं चल सकते। कौन से गुरु का मैंने सहारा लिया, कौन से गुरु मेरे लाइफ में आए? देखिए जी, ये इतनी सी तालियों के हकदार तो नहीं है, मत बजाइए आपको अगर लगता है। ये वो गुरु जो आज ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में सफल हैं, मैंने संगत बदली। जो मैं कहीं पहले खेतों में रहता था, कहीं फेलियर लोगों के बीच में रहता था, मनोज जी फोन करते मोतीलाल भाई, और सबसे अच्छी बात है कि पहले दिन मनोज जी से प्यार हो गया था, पहले दिन, क्योंकि पहले दिन ही बैठे थे एक 10 मिनट के लिए, थैंक यू, 10 मिनट के लिए बैठे थे, और कब लंच निकल गया, लंच सा इकट्ठा किया, उसके बाद में कब डिनर हुआ, और फिर फाइनल जो है एक दूसरे में के जान पहचान ऐसे होगी कि जैसे बहुत पुराने हम जानते हैं। यही मनोज जी की क्वालिटी, यही अच्छाई मुझे समझ आ गई, मुझे भा गई, और उसके बाद में हमेशा जब भी मुझे कॉल करते, ये अलग बात है कि हम घंटों झगड़ते थे शुरू में, फ़ोन पे एक एक घंटे तक भी झगड़ा हो जाता था, लेकिन वही झगड़ा क्यों होता था? क्योंकि एक दूसरे के लिए प्यार था, और आप चाहते थे कि सफल हो जाए। और जयपुर में मैं उस व्यक्ति को बता दूं कि भैया जयपुर में ऑलरेडी हमारा काम बड़ा हो चुका है, उस इनका जो वो सपना था, उस सपने से कनेक्ट हुआ मोतीलाल, और आप देख पा रहे हैं आज जयपुर में कितना बड़ा कारवा बन चुका है। ये वही लोग हैं जिनसे मैंने संगत करी, वही लोग हैं। और आप देखिए कि संगत का असर, जो एक पहले बाइक पे था, फिर खेतों में ट्रैक्टर चलाता था, वही व्यक्ति आज किस पे आ गया? कोरोला।
टोयोटा कोरोला अल्टीज 23 लाख रुपए की, कभी सोचा भी नहीं था। बाइक से ट्रैक्टर पे जरूर आ गया था जब दुकान छोड़ी थी, खेतों में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। और वही संगत ने क्या किया, उसी मोतीलाल को संगत ने क्या किया, यहाँ पे इतनी शानदार रंगत दे दी। क्या अच्छी संगत करने के लिए तैयार हो? क्या अच्छी संगत करने के लिए तैयार हो? क्या सिस्टम के साथ संगत करने के लिए तैयार हो? क्या बुक्स की संगत करने के लिए तैयार हो? इतनी सी यस में तो क्या तैयार हो? और जीवन में जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे पॉजिटिविटी आएगी और सफल हो जाएंगे। मेरी सफलता का राज यही है और इसी सफलता की वजह से आज टीम में, इसी एक छोटे से काम की वजह से मेरी टीम में, अभी आपने देखा अगम जी आए, वही अगम जी है जब दुबई से आते थे और जब लौट के जाते थे ना रोते हुए जाते थे, कब एक साल निकलेगा, कब एक साल बाद में वापस आऊँगा। वही अगम जी जब स्टेज की बारी आती थी तो वॉशरूम देखते थे और जैसे ही पता लगा कि हाँ डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर जो भी इनका लेवल होता था उस समय, दूसरा लेवल आया और ये आकर के अच्छा मैं तो यार वो चला गया था उधर। और वही अगम जी है कि आज दिन भर अगर स्टेज दे दें माइक दे दें तो दहाड़ते रहते हैं। ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है एक अच्छी संगत की। आप चाहते हो सफल होना, आप अपने 10 एवरेज लोगों को देखिए, जो वो कमाते हैं उनका जो एवरेज आएगा वही आप कमाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए महीना कमाना, 10 लाख रुपए महीना कमाना, तो आप अब 10 ऐसे लोगों के साथ संगत बना लीजिए और उनकी एवरेज कर लीजिए। अब आप सोचिए कि अभी 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं सुरेखा जी, 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, मनोज जी कितना कमाते हैं ये हम सबको पता है, जगत जी कितना कमाते हैं, परमार जी कितना कमाते हैं, निशा जी कितना कमाते हैं, आप हमारी जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हम मैं दिग्विजय जी की बात करूं, अक्षय जी की बात करूं, राधा जी, आपको पता है इनकी स्टोरी की वजह से मैं मोटिवेट हुआ था कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इन सब का एवरेज लगाइए और क्या इनकम आने वाली है, क्योंकि आज लाखों रुपये महीना कमाना शुरू हो चुका है और अब करोड़ रुपए तक की सोच बन चुकी है, वरना 20,000 रुपए के लिए मोदी केयर में आया था। ये पावर है एक संगत की। क्या एक अच्छी संगत करने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? तो थैंक यू वेरी मच, एक अच्छे गुरु मुझे मिले। एक बार वापस से मैं चाहूँगा जबरदस्त तालियों से मनोज मलिक जी, सारिका जी, सारिका मैम के लिए और कुलदीप सर के लिए थैंक यू। आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो एक साधारण सा किसान आज यहाँ नहीं पहुँचता। थैंक यू सर, थैंक यू जगत जी, थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत 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 धन्यवाद।